आपको मुझे पहले बताना चाहिए था कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट? यस। डॉक्टर साहब, एक्चुअली गायत्री नहीं चाहती थी कि आप जाने, क्योंकि फिर आप उसे ब्लड डोनेट करने से रोकते और अगर वो शीतल को खून नहीं दे पाती तो वो मुझे माफ कभी नहीं करती। डॉक्टर, क्या अब आप अपने आप को माफ कर सकेंगे? डॉक्टर, क्या मैं अपने आप को माफ कर सकूंगा कि मैंने एक पेशेंट की जान बचाने के लिए दूसरे पेशेंट की जान खतरे में डाल दी, उसके बच्चे की जान खतरे में डाल दी है? नहीं डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज, डॉक्टर ऐसा मत कहिए प्लीज। मेरी गायत्री की नेकी की उसे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए डॉक्टर प्लीज। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं जरूर करूंगा। क्या तरुण, तुम जानते थे ना कि गायत्री प्रेग्नेंट है और फिर भी तुमने उसे शीतल दी को खून देने के लिए मजबूर कर दिया? मेरे दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था कि मैं शीतल दी की जान कैसे बचाऊं। पातर, अपनी बहन की जान बचाने के लिए तुमने गायत्री की जान खतरे में डाल दी। क्यों? क्योंकि वो तो तुम्हारी कुछ लगती ही नहीं है ना, उसका तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है? ऐसा मत कहो, गायत्री ने साबित कर दिया है कि उसका हमारे साथ क्या रिश्ता है। वो अब भी हमें अपना मानती है, हमारा भला चाहती है, ठीक उसी तरह जिस तरह सुनीति चाहती थी। ये तुमने क्या कर दिया तरुण, क्या कर दिया तुमने? पहले ही सुनीति को खो चुके हैं, अब क्या गायत्री और उसके बच्चे को भी खोना होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, भगवान इतनी नाइंसाफी नहीं कर सकता। डॉक्टर्स ने क्या कहा? डॉक्टर्स उसे 8 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। गायत्री की तबीयत बहुत खराब है, अगर उसे और उसके होने वाले बच्चे को कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। घबराओ मत तरुण, भगवान पर भरोसा रखो, गायत्री को कुछ नहीं होगा। भगवान पर भरोसा रखने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। हमने गायत्री को दोबारा समझने में गलती कर दी, हमने जैसा उसके बारे में सोचा था वो वैसी बिल्कुल नहीं है। उसने आज हम पर इतना बड़ा एहसान किया और मैं उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुला हुआ था। रवि और मैं उसके और अभय के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा कर रहे थे ताकि उन दोनों का तलाक हो जाए। जिस तरह अभय ने सुनीति से प्यार का नाटक करके सुनीति को बहकाया था, हमें गायत्री को फिल्मों में काम करने का लालच देकर उसे बहकाना होगा। हाँ तरुण, लेकिन अभय को सचमुच प्यार हो गया था सुनीति से। लेकिन गायत्री को सचमुच फिल्मों में काम कहाँ मिलेगा, वो तो फिल्मों में काम करने का सिर्फ ख्वाब देखेगी। फिर अभय उससे इतनी नफरत करेगा कि वो तृप्ति को उसे कभी नहीं सौंपेगा और फिर शीतल को तृप्ति मिल जाएगी और शायद मेरी बहन ठीक हो जाएगी। मुझे तो अपने आप से घृणा हो रही है। डॉक्टर दयाल, अब कैसी है? तो वो स्टडी है। थैंक गॉड। मिस्टर कुमार, वो स्टडी है, इसका मतलब यह नहीं कि वो खतरे से बाहर है, बस इतनी तसल्ली है कि उनकी हालत बिगड़ नहीं रही। अब ये देखना है कि अगले 8 घंटे में सिचुएशन क्या होती है। मेरा मतलब हमें उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा ये देखने के लिए कि वो इम्प्रूव करते हैं या नॉट करेंगे।